हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का NCERT जोन में। देखिए फ्रेंड्स, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, तो उसमें से ऑलरेडी मैं दो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। पहला है स्ट्रक्चरल चेंज और सेकेंड है कल्चरल चेंज, ठीक है ना, कि स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आया था और उसका कल्चर में कैसे चेंज आया था, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए, पहला दो चैप्टर ऑलरेडी कर चुका हूँ, थर्ड चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी क्या होता है। सबसे पहले डेमोक्रेसी दो वर्ड से बना है, डेमोश और क्रेसिया। इसका मतलब होता है पीपल्स रूल, मतलब डेमोस मतलब होता है पीपल्स और क्रेसिया मीन्स होता है रूल, यानी पीपल्स का रूल। तो डेमोक्रेसी में अब क्वेश्चन उठता है कि क्या पीपल डायरेक्ट रूल करते हैं? नहीं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होते हैं वहाँ पीपल अलग अलग टाइप से डायरेक्ट रूल करते हैं, मतलब चार चीज होता है, रेफरेंडम इस टाइप का होता है, उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी करते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमेशा छोटी कंट्री में हो जाता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बड़ी कंट्री, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में। इंडिया की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर अप्लीकेबल हो ही नहीं सकता था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि डेमोक्रेसी क्या होता है, पीपल्स रूल। पीपल्स क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है और फिर वो गवर्न करते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कॉमन मैन हैज़ ए से इन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में पीपल्स का बोलबाला है, बोलबाला ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग वोट देके उन्हीं को चुनते हैं, जिनको हम चुनते हैं वही गवर्न करते हैं। ऐसा ही नहीं कि कोई सीधे रूल करने लगे, ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ज़्यादातर छोटी छोटी कंट्रियों में, छोटी छोटी जगह पे अप्लीकेबल है, जैसे स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि मान लो क्या, हम लोग एक बारी, हम इसको ये एपिसोडिक डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। एपिसोडिक का मतलब हम क्या करते हैं, एक बारी चुनते हैं सरकार को और सरकार 5 साल के लिए चला लेते हैं। अगर हो सकता है सरकार अच्छा काम नहीं करे तो हम लोग अगली बार उन्हें नहीं चुनेंगे, फिर किसी दूसरी पार्टी को चुनेंगे। क्योंकि हम, आपको पता है ना, हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे पार्टियाज है, बहुत 7 आई थिंक नेशनल पार्टी है, उसके अलावा बहुत सारे रीजनल पार्टी है और स्टेट पार्टी है, स्टेट पार्टीज है। जो हमारी सरकार है वो आपको पता होगा, इंडिया फेडरल कंट्री है, फेडरलिज्म है यहाँ पे। तो जो हमारी गवर्नमेंट है 3 लेवल में जनरली बटा हुआ है। पहला है सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में 2 अलग अलग हाउस है, कौन कौन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है, दोनों का अपना अपना काम है। लोकसभा में डायरेक्ट पीपल चुना के जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका, जैसे MP का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो बन के जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है, ठीक है। राज्यसभा में जो लोग होते हैं, राज्यसभा नाम से ही पता चलता है, राज्य से मेंबर जाते हैं राज्यसभा में। आप, और ये आपको पता होगा, लोकसभा में भी कुछ मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, आई थिंक 2 मेंबर नॉमिनेट किया जाता है, और राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपना अपना सारे स्टेट का। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अधिकतर स्टेट में एक ही हाउस है, एक ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ है। लेकिन 6 ऐसे राज्य जहाँ पे 2 हाउस है, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें डायरेक्ट चुनाव होता है, MLA का जो चुनाव होता है ना, MLA का चुनाव होता है, उससे डायरेक्ट जाते हैं। एक और हाउस है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 हाउस है, विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकेंड टीयर पे हो गए। सबका काम, जैसे पार्लियामेंट की तरह ये भी काम करता है, सबका अपना अपना ज्यूरिडिक्शन बटा हुआ है, इसका अपना काम है, उसका अपना काम है। इसी तरह म्युनिसिपैलिटीज़, देखिए उसके, ये दोनों हो गए सेकेंड लेवल पे। थर्ड लेवल पे 2 आ जाते हैं, जैसे पहले आए सेंटर, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लो, पहले सेंटर, फिर आए स्टेट, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट के अंदर 2 आ जाते हैं। एक जो अगर शहर वाला एरिया है उस पर, वहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज आ जाएंगे, और जो गांव वाला एरिया है वहाँ पे आ जाए PRI, पंचायती राज सिस्टम आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में
क्वेश्चन उठता है कि व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, हमारे यहाँ किस टाइप की पार्टी सिस्टम, हमारे यहाँ देखिए यूएसए में क्या है, ड्यूअल पार्टी सिस्टम है, दो पार्टी है वहाँ पे, एक डेमोक्रेट्स है एक रिपब्लिकन है, जो अभी की सरकार है यानी डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से है, ठीक है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसे प्रेसिडेंट बोलते हैं, और प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा पावर होता है, इवन जो हमारे यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर का जो पावर होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट का वो पावर होता है, ठीक है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, चाइना में आपको पता है सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दो और टर्म, देखिए एक टाइप नहीं इसको बोल सकते, दो और एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है, एक है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक है डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स डेमोक्रेसी, ठीक है, मतलब डिसेंट्र, एक होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मान लो क्या होता है कि आपने चुनाव किया, आपने चुना लोगों को, आपने लोगों को चुना, वो फिर गवर्न कर रहे हैं, मतलब मेजर डिसीजन वो खुद ले रहे हैं, कि आपका काम था बस उनको इलेक्ट करना, बस वो ले रहे हैं अपना डिसीजन, वो सब कुछ वही खुद लेंगे, एक बारी आपको बस चुनना है। एक होता है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि पावर बांटा गया कि सेंटर के पास पावर था, सेंटर एक काम तो ऐसे कर सकती थी, ऑटोक्रेट बन सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अपना पहले पावर कुछ पावर स्टेट को दिया, स्टेट ने और अपने पावर में से कुछ पार्ट पावर म्यूनसिपालिटीज और कुछ पावर पंचायती राज सिस्टम को दिया। तो पंचायती राज सिस्टम या म्यूनसिपालिटीज में क्या होता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब खुद लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट तो सब में करते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज होता है, लोकल लेवल पे भी लोगों को अपना पार्टिसिपेशन दिखता है, अपने गांव मोहल्ले के लोगों का पार्टिसिपेशन दिखता है, तो लोगों का लगता है कि सरकार में हमारे भी कुछ वैल्यू है, मतलब ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं एलियनेशन फील नहीं करते हैं, वो लगता है कि हमारी भी वॉयस मानी जाएगी सरकार में, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद है कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कुछ कोर वैल्यू है, ठीक है, कोर वैल्यू है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी मॉडर्न टर्म नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, देखो पीपल्स रूल हमारे यहाँ भी बहुत, जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल बहुत सारे बुक्स है उसमें कई ऐसे राज्य है जहाँ पे पीपल्स के द्वारा चुनाव होता था, लोग चुनते थे, ठीक है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एपिक्स फोल्क लोर्स मतलब होता है ऐसे स्टोरी, जो वर्बल स्टोरी नहीं होती, जो ओरल स्टोरी होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टोरी आपको सुनाया जाएगा जिसमें लोग सरकार को चुनते हैं, ठीक है, तो डेमोक्रेसी का आप बोल सकते हो मॉडर्न और ट्रेडिशनल आइडिया का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और मॉडर्न आइडिया कहाँ से, कॉलोनियल रूल से लिया गया, और ट्रेडिशनल आइडिया हमारे अपने एपिक्स वगैरह से लिया गया था, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसी बुक में दिया हुआ फंडामेंटल राइट के बारे में, बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो आप पॉलिटी में डिस्कस ऑलरेडी किए होंगे, 12th क्लास में है, 11th में भी है, लेकिन फंडामेंटल राइट देखिए, फंडामेंटल राइट में कुछ राइट दिए हैं, जो कुछ बेसिक ऐसे राइट है, मौलिक अधिकार जो आपसे छीना नहीं जा सकता किसी, अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं हो, देखिए वैसे हर फंडामेंटल राइट में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रखे हुए हैं, किस फंडामेंटल राइट में एक्सेप्शन है, ये फंडामेंटल राइट में ये एक्सेप्शन है, देखिए एक फंडामेंटल यहाँ पे बस दो तीन दिया है, पहला राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 है, कि वहाँ पे आपको किसी कहीं पे घूमने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, ठीक है, उसके बाद है ऑल रिलीजन आर इक्वल, ये भी किसके कौन सा राइट है, देखिए रिलीजन से रिलेटेड जो राइट है वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच है, ठीक है, कि आप अपना राइट खुद चुन सकते हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे, मतलब ऐसे ऐसे जो रिलीजन से रिलेटेड राइट है वो सारे राइट दिए हुए हैं, ठीक है, राइट टू ये वाले किसी फंडामेंटल राइट में नहीं है, राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे पहले हम आपको बात उठता है कि राइट टू फ्रीडम मतलब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है फंडामेंटल राइट है कहाँ पे, फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन उठता है संविधान बनाया किन्होंने, संविधान बनाया कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने, देखिए जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने उन वहाँ पे जो मेंबर थे उन्होंने कंस्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, ठीक है, ड्राफ्ट करने जो कंस्टिट्यूशन वो ड्राफ्ट किए, और वो किसके स्कीम के, देखिए कैबिनेट मिशन आया था ब्रिटिश से, उस कैबिनेट मिशन के हिसाब से उनके स्कीम के हिसाब से ही एक असेंबली बैठी जिसमें सारे मेंबर इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आए,
और सारे स्पेयर से मेंबर आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू आ रहे थे, नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख, मतलब हिंदू को जनरल बोल सकते हो क्योंकि वहाँ वो सिख जो क्या करते हैं, जो लोअर कास्ट और लोअर क्लास थे वो भी आ जाते थे इसमें, जनरल और मुस्लिम और सिख सारे कम्युनिटी के आए थे। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली 1946, 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले बैठी और सारे रिलीजन, सारे कास्ट, सब क्लास के लोग उसमें आए थे। बी आर अम्बेडकर, देखिए उसके जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके हेड थे कौन, हेड थे राजेंद्र प्रसाद, और जो ड्राफ्टिंग कमिटी के जो हेड थे, जैसे आप आपको पता होगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 8 कमेटी थी, जो टोटल 8 मेजर कमेटी थी, लाइक ड्राफ्टिंग कमेटी, स्टेट कमेटी, सेंटर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, इस टाइप की जो 8 कमेटी थी, स्टेट इन 8 कमेटी के जो हेड होते थे, मतलब आप बोल सकते हो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 3-4 मेंबर थे ना, 3-4 मेंबर बहुत पावरफुल थे। इससे पता चलता है कि जो इन एट जो 8 मेजर कमेटी थे उनके चेयरमैन ये इन्हीं 3-4 लोग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब और बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो हर बात चीज़ पे बहुत सारा डिबेट हुआ। देखिए स्टार्टिंग में उस समय पंचायती राज पे बात हुई थी, तो पंचायती राज के खिलाफ थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर लोग को लगता था कि इससे जो लोअर कास्ट और लोअर कास्ट के पीपल थे उनको और डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, तो वो लोग इसके खिलाफ थे। लेकिन फिर भी पंचायती राज सिस्टम 1992 को आ गई थी, 73rd कंस्टिट्यूएंशन, मतलब संविधान में संशोधन किया गया, 73वां 73rd कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, उसमें पंचायती राज सिस्टम की बात आई। 74th में म्यूनसिपालिटीज़ की बात आई, अर्बन लोकल बॉडीज, ULB, ठीक है, कंस्टिट्यूशन के बारे में पता है। और कंस्टिट्यूशन में सबसे पहले एक चीज़ है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। देखिए जैसे ही हमारा मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी उसके कुछ दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब है कि कंस्टिट्यूशन बनाएं तो बनाएं कैसे, क्या आइडिया आपको ध्यान में रखना है, कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखे कंस्टिट्यूएंट बनाना है, कि जैसे हम देखिए कोई भी आर्टिकल देखो उस समय ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थी उसके एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड है सॉवरन। सॉवरन का मतलब संप्रभुता। तो इसमें ध्यान दीजिए, हम कोई ऐसा आर्टिकल नहीं बनाएंगे जो इस संप्रभुता को, इंडिया की संप्रभुता को वायलेट करे। हम ऐसा नहीं कुछ बनाएंगे कि हम पे किसी का दबाव रहे, ऐसा कुछ आर्टिकल लिखेंगे ही नहीं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में यही बातें सब लिखी गई थी कि कुछ कुछ आइडिया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में को, हम कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही बनाए तो इन चीज़ों को ध्यान दें। जैसे हम लिबर्टी की बात कर रहे थे, इक्वलिटी की बात कर रहे थे, तो इन चीज़ों सबको ध्यान में रख रहे थे, ठीक है। तो उनके कुछ कुछ इसके आइडिया है, जैसे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है, जो सोशलिस्ट हमारे में है, कि सोशलिस्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ करेगी। दो टाइप की गवर्नमेंट होती है ना, एक होती है मतलब गवर्नमेंट नहीं बोलते, दो टाइप की सोसाइटी होती है, कुछ सोशलिस्ट, एक होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब होता है कि जो कैपिटल, जिन जिनके पास कैपिटल होगी उन्हीं के पास बोलबाला होगा। लेकिन सोशलिस्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बहुत वेलफेयर करेगी, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम चलाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय बहुत सारे पुअर पीपल थे ना, ठीक है ना। सेकुलर का मतलब होता है सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं कि हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी, सिख सोसाइटी, ऐसा कुछ नहीं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होंगे, प्रेसिडेंट, उनका चुनाव होगा। लिबर्टी की बात करते हैं, मतलब फ्रीडम। इक्वलिटी का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन ए कॉरपोरेशन, मतलब इक्विटी, डेमोक्रेटिक, फ्रेटर्निटी, ये सब हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। आप प्रीएम्बल को याद कर लीजिएगा ना, प्रीएम्बल में ऐसे ऐसे वर्ड है ना, आप कहीं भी टेप सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है। लॉ अगर नहीं रहता तो बहुत हजार्डस हो जाता, मतलब बहुत मतलब ऐसे हो जाता कि आप किसको क्या फॉलो करना पता ही नहीं चलता। फिर तो मान लो ये STSC का तो और एक्सप्लॉयटेशन हो जाता, अगर कोई लॉ उनके ऐसा नहीं बना रहता कि उनको उनके खिलाफ कोई ऐसे नहीं करेगा। मतलब जो कास्ट सिस्टम है, मतलब जो अनटचेबिलिटी वगैरह थी, इन सब के खिलाफ अगर लॉ नहीं बनता तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम हमारा 3 लेवल में ज़रूर बटा है लेकिन इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब कैसे होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, उन्होंने कोई जजमेंट दिया, तो उस बात को स्टेट गवर्नमेंट भी, स्टेट हाई कोर्ट भी फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि स्टेट का अपना चल रहा है, सेंटर का अपना चल रहा है, ऐसा नहीं। 3 लेवल पे अलग अलग है। जैसे स्टेट
जैसे मान लो आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टेट में कोई अगर हार जाता है तो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर कोई हार जाता है केस तो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको पता है ना, समझ सकते हैं इंटीग्रेटेड है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई हारा तो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में हारा तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना काम है, ठीक है। और नेक्स्ट एक टर्म हमने देखा ना, पंचायती राज। पंचायती राज में क्या होता है कि पंचायत में क्या होता है, पहला लाइन तो नॉर्मल आपको पता है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि सब जो जो 18 प्लस है, 18 साल से ज़्यादा है, उनको वोट देने का अधिकार है। देखिए पहले 21 साल था, लेकिन 61वीं मतलब 61st कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस एज को 21 से घटा के 18 कर दिया गया, ठीक है। जो विलेज पंचायत के हेड होते हैं उसको सरपंच बोला जाता है। सारे मेंबर वोट दे सकते हैं, ऑल मेंबर ऑफ विलेज पंचायत वोट फॉर ब्लॉक, ऑल मेंबर ऑफ ब्लॉक वोट फॉर जिला परिषद। नॉर्मल पॉइंट है कि ये इस सब के बारे में आपको डिस्कस, ये सब पता ही होगा। 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट आई थी उसे पंचायती राज बना था, 74th में म्यूनसिपालिटीज एक्ट बना था, इलेक्शन हर 5 साल पर होगा जो ये मेंबर नॉर्मल पॉइंट लिखा हुआ है, और सबको रिजर्वेशन मिलेगी। देखिए 33% वुमेन को रिजर्वेशन, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वुमेन को रिजर्वेशन देने, बिहार एक ऐसा स्टेट है, बिहार के अलावा और कई स्टेट है जिन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया है वुमेन को लोकल बॉडीज में, ठीक है। पंचायत के कुछ काम दिए हुए हैं कि प्लान और स्कीम बनाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, विलेज के लिए रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करें, सोशल जस्टिस कैसे लोगों को मिले, ये सब नॉर्मल पॉइंट होता है, ठीक है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खासा ध्यान रखेगी कि लोगों को जैसे मान लो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है कि कोई बर्थ हुआ, जैसे आप देखो आप जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनती हो आंगनबाड़ी में ही बन जाती है, तो अगर ये ऐसा पावर अगर नहीं दिया जाता तो पहले क्या होता था, लोगों को ब्लॉक में जाना होता था, ब्लॉक घर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर होता था, लोग ऐसे ही छोड़ देते थे। लेकिन अब आंगनबाड़ी घर के पास में ही बन रहा है, आंगनबाड़ी की जो महिलाएँ हैं वो खुद जाके घर पर बनवा देती है, इस टाइप का तो बहुत फ़ायदा हो गया ना, ठीक है। इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब देखिए मेन रोड तो बना देगा खुद स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जो गली मोहल्ले का रोड होता है वो तो काम है पंचायत वगैरह का ही, ठीक है ना। ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट है कि ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम, ट्राइबल थोड़ा ट्राइबल का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया के दिया हुआ, वहाँ थोड़ा अलग होता है, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल पॉइंट है, डेमोक्रेटाइजेशन एंड इन इक्वलिटी। देखिए इन स्पाइट ऑफ डेमो, देखिए डेमोक्रेसी आप जैसे वर्ड सुनते हो कि सबका रूल मतलब पीपल्स का रूल, यानी सारे पीपल्स के पास सेम पावर होंगे, लेकिन यहाँ भी इनइक्वलिटी आ जाती है। देखो इन स्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी देयर आर स्टिल इनइक्वलिटी, अभी भी है आप जानते हुए कि मान लो आप खुद सोचो, 2 पर्सन को, एक है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, एक पास थोड़ा कम पैसा है, तो दोनों को अगर से वोट, दोनों के वोट की वैल्यू इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये कहाँ पे कि दोनों इक्वल हो गए, नहीं है इक्वल, ठीक है। ठीक है, ग्राम सभा में आफ्टर कंटिन्यू नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी। देखिए पॉलिटिकल पार्टी आपको पता होगा, पॉलिटिकल पार्टी की अपना एम होता है, अपना आइडियोलॉजी होता है, वो चुनाव लड़ते हैं फिर गवर्नमेंट में जाते हैं, सरकार जाते हैं, फिर वो रूल करते हैं, मतलब हम उनको अगर चुनते तो फिर रूल करते हैं, ठीक है। 3 टर्म है, आप ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ग्रुप और एक प्रेशर ग्रुप। आपस में डिफरेंस बहुत बार आया है और आ सकता है। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब होता है जो पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है ना। व्हेन सर्टेन ग्रुप फील दैट देयर इंटरेस्ट आर नॉट बीइंग टेकन अप दे मे मूव फ्रॉम द अल्टरनेट पार्टी। देखिए मान लो एक पार्टी है ABC, जो मेन पार्टी है सरकार की, जैसे मान लो अभी मेन पार्टी है बीजेपी ABC एक इंटरेस्ट ग्रुप है, और अभी तक ABC की बात BJP मान रहा है, जैसे ही बात मानना छोड़ देगा ABC अपना पार्टी बना लेगा, ठीक है, हो सकता है ऐसे। प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है कि ये बस प्रेशराइज करते गवर्नमेंट को अपने, हो सकता है कि कुछ इसकी इच्छाएं हो उसके लिए, मतलब हो सकता है ना मे बी, ठीक है, कि मतलब इनके कास्ट को कोई प्रॉब्लम हो तो हो सकता है। देखिए प्रेशर ग्रुप सिर्फ कास्ट वगैरह से लिमिटेड नहीं है, आपको फीकी वगैरह या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो गए NGO टाइप के, वो सब प्रेशर ग्रुप में ही आते हैं कि वो सरकार को प्रेशर करते हैं। जैसे सरकार बहुत सारी पॉलिसी जब बनाने वाली होती है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है,
तब बनाती है, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट प्रेशर ग्रुप है, तो मतलब बहुत तो ऐसे ज़्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। कुछ वर्ड है ये आपको पता होगा, पंचायत, पंचायती राज, पॉलिटिकल पार्टी, ये पता है। एक वर्ड आपको देखिए, न्याय पंचायत, देखिए, अथॉरिटी ऑफ पंच टू हेयर सम पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड हैव अथॉरिटी टू इम्पोज फाइन्स। देखो न्याय पंचायत में क्या होता है, आपने देखा है कि पंचायत कभी कभी क्या करती है कि पंचायत के पास पावर होता है, थोड़े जो छोटे छोटे केस होते हैं ना, जैसे सिविल और क्रिमिनल केस, उसको देख सकती है और उस पर फाइन भी इम्पोज कर सकती है। यही सब बात है, न्याय पंचायत का यही काम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, पंचायत क्या होता है आपको पता ही है, पंचायती राज और पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस सब चैप्टर में जो जो हमने देखा था वो कर लिया, ठीक है, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर क्या होता है, पंचायती राज क्या होता है, डिफरेंट लेवल जुडिशियल सिस्टम का कैसा होता है। देखिए इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, बस जो बेसिक बेसिक चीज़ आपको पहले से, आधा तो पहले से ही पता रहा होगा, ठीक है, आधा चीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, प्लीज़ NCERT जोन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।